बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। Hey guys, welcome to my new vlog. तो आज है ग्रेटर नोएडा में आखिरी दिन। आज मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि कल मेरा एक लुक टेस्ट होने वाला है और मेरा शूट स्टार्ट होने वाला था परसों से, बट मुझे अभी मैसेज आया है कि प्लान में थोड़ा सा चेंज है, शूट का कुछ डिले हो गया अराउंड एक हफ्ता। तो परसों हो सकता है मैं गोवा निकलूँ, तो उसका व्लॉग बाद में देखेंगे क्योंकि वो अभी श्योर नहीं है, मैंने टिकट्स बुक नहीं करी है। और तो गाइज़ मेरा अभी इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था ना, मैं अभी रानीखेत से आई थी, फिर आज मुझे गणेश पूजन के लिए जाना था, उसके बाद लुक टेस्ट के लिए जाना था और अगले दिन मुझे गोवा के लिए निकलना था, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने घर पे ही वैक्सिंग करवा ली। अभी मैं जा रही हूँ मनन के घर गणपति के लिए, उसके बाद मेरा एक लुक टेस्ट है, तो वो मैंने थोड़ा अपना डिले करवा लिया था, उनको 2 बजे पहुँचना था। तो अभी ही हमारे वहाँ पे सारे KKIS की फैमिली आने वाली है, पूरी स्टार कास्ट आने वाली है, तो अभी पहले मनन के यहाँ जाते हैं। फेमस है क्या तेरा ब्लॉग सब लोग तुमने पता उसको क्या डाली है? हाँ वो करते हैं अभी। मुझे कॉल आ गया। शो खत्म हो गया, अब इसके पैसे लगेंगे बेटा, काम नहीं है तो तू जो कमा रही है। अब आप बोलू चाचा नहीं हो, अब आप मेहुल हो, प्रकाश मैं क्या बढ़िया सिनेमैटिक व्यू ले रही थी यार, सब खराब कर दिया तुम लोगों ने। अच्छी तो बाबू तू निकाल लेना पिक्चर। हाँ किसकी निकालनी है? हम सबकी। फिलहाल मेरे को गंदा नहीं चाहिए, फिलहाल मैं खुश है। जाओ ना थोड़ा यही ना लो सर्दी से जी। हाँ आज शुरू तो गाइज़ उसके बाद मैं आ गई अपने लुक टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कोल्ड कॉफ़ी की, तो मैं बरिस्टा आ गई और यहाँ पर मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी अपने लिए और फिर मैं प्रोडक्शन हाउस में जाके मस्त बैठ के चिल करके पिया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इंटीरियर इस प्रोडक्शन हाउस का, तो बिल्कुल ऑफिस वाली फील्स नहीं थी। तो अभी यहाँ पे मैंने वेट किया अपने चांस का, फिर उसके बाद मैं अंदर गई और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबके मेकअप हो रहे हैं और बाहर वो ऑडिशन चल रहा है। तो मैं ये दिखाना चाहती थी आप लोगों को कि ऑडिशंस कैसे होते हैं, ताकि आप लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करो कि क्या फ़ील होता होगा उस टाइम पर। तो यहाँ यार ये वाले शोज़ आप बताना आपने इनमें से कौन कौन से शोज़ देखे हैं। मिले जब हम तुम तो मेरा फेवरेट हुआ करता था, तो ये सारे शोज़ इसी प्रोडक्शन हाउस के हैं, देख के मज़ा आ गया। तो अभी देखो जैसे बाहर उसके ऑडिशन चल रहा है एक बंदी का और हम लोग यहाँ सब वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं अपने चांस का। तो इस टाइप का एक होता है इन हाउस प्रोडक्शन हाउस में जो ऑडिशंस होते हैं। वेकअप वेकअप, ऑडिशन है अभी, एक बच्चा है, खत्म नहीं हुआ। सोने पे ही आ गई। तो आज हम तीनों मिले, दुनिया है जो भी देखे सब रह घंटे का।
तो गाइस आई फाइनली रीच्ड होम और मैं अब पहुंची हूँ घर। तुम टाइम देख रहे हो, 12 बज चुके हैं और 12 बजे मैं घर में एंटर कर रही हूँ। भाई इतना ज्यादा हेक्टिक डे था ना, तो मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी मैंने उससे पहले का नहीं दिखाया आपको, मतलब भाई मैं पहले अपना वो सूट सिलवाने दे के गई हूँ, आया हूँ ना, बहुत भाग दौड़ हुई है भाई आज। और ये लुक टेस्ट के टाइम पे भी भाई मेरे को एक ऑडिशन के लिए बुलाया था सर ने, फिर वहां जाके दो ऑडिशन हुए और अभी 10:30 बजे सर ने बोला नहीं तुम एक और कैरेक्टर करो, एक और ऑडिशन ऑन द स्पॉट दिया। वो ऑन द स्पॉट मैंने जैसे तैसे बनाया और बट समहाउ उनको सबसे अच्छा वही वाला लगा, उनका ये वाली विंक जो मैंने मारी ना वो उनको बहुत ज़्यादा सही लगी। बट ठीक है, इंटरेस्टिंग डे था। और बाकी जिसको लगता है ना एक्ट्रेस की लाइफ ईजी है, भाई देख लो ईजी नहीं है, बट ठीक है, नो कंप्लेन्स, मेरे को तो वही मज़ा आता है, बट बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया और कल मुझे निकलना है गोवा के लिए, तो तुम सोच नहीं सकते अभी मेरी क्या हालत हो रखी है। बिल्कुल ये चीज़ इतनी दर्द हो रखी है ना, हाँ, क्योंकि इतने सारे टेक, इतना सारा बैठना बैठना, भाई वहाँ बहुत हेक्टिक होता है यार। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द डे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय।